कल किया था क्वेश्चन हुए थे क्या, क्वेश्चंस करवाए थे क्या उस पर, कहाँ तक हुआ था? प्रॉपर्टीज नहीं, कल लास्ट पॉइंट क्या था कल के लेक्चर पे? क्वेश्चंस करवाए थे किस पे? इक्वेशंस पे ना, होमोजेनियस इक्वेशन पे ना। होमोजेनियस चल रहा था या नॉन होमोजेनियस चल रहा था? सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन चल रहा था ना। चलिए चलिए आगे देखिएगा। तो सिस्टम, हाँ एक बार रिकॉल कर लीजिए, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में आपका इक्वेशन क्या बना था भाई? एक्स इक्वल टू बी बना था, राइट है? हाँ, एक्स इक्वल टू बी के लिए आपने क्या किया था बताओ, जरा बताओ पहला। हाँ सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बहुत साइड, तो एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा था अपना? ए इनवर्स बी मिल रहा था, राइट है? अब यहाँ से एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी मीन्स वट? एक्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मीन्स वट? ए इनवर्स इन टू बी था क्या भाई? दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इन टू बी। अब आपने यहाँ से केसेस बनाए थे, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था कि मान लो अगर ए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो, सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एंड ये भी क्या है आपका, आपका आ रहा है आपका एडजॉइंट ऑफ ए इन टू बी, ये भी क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। तो भाई क्या मिल रहा था, सोल्यूशन कैसा मिलता है, कैसा था? यूनिक था सोल्यूशन, कैसा था? यूनिक है ना। पॉइंट नंबर टू क्या लिखे थे आपने, इफ ए इज सिंगुलर, ए कौन सा मैट्रिक्स था? सिंगुलर मैट्रिक्स था। एंड एडजॉइंट ऑफ ए इन टू बी इज इक्वल टू जीरो, सही है? तो इस केस में क्या मिल रहा था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है ना। और सिस्टम कैसा था, कंसिस्टेंट था। सिस्टम कैसा था, कंसिस्टेंट। हाँ पॉइंट नंबर थर्ड, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो बट एडजॉइंट ऑफ ए इन टू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये था। तो इस केस में क्या था, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सिस्टम क्या था, नो सॉल्यूशन, ये था ना। और सिस्टम कैसा था, इनकंसिस्टेंट था। कैसा था, इनकंसिस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। सर होमोजेनियस के लिए क्या होना चाहिए, एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। हाँ इधर क्या है, नल मैट्रिक्स मिलेगा ना, जीरो मिलेगा ना। तो एक्स इक्वल टू क्या, जीरो। तो लिखेंगे उसमें, इफ सॉरी लेट एक्स इक्वल टू जीरो बी ए होमोजेनियस, बी ए होमोजेनियस सिस्टम, बी ए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ ऑफ एन स्मॉल एन, एन लिनियर इक्वेशन स्मॉल एन, एन लिनियर इक्वेशंस विथ एन अननोन्स, विथ एन अननोन्स फुल स्टॉप, विथ एन अननोन्स। पॉइंट नंबर वन, इफ पॉइंट नंबर वन, इफ ए इज, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन 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 सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन डेट इज, डेट इज ट्रेविअल सॉल्यूशन, डेट इज ट्रेविअल सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर टू ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, कभी पूछा जाता है कि सिस्टम का जो है ट्रेविअल सॉल्यूशन है। पॉइंट नंबर टू, इफ
एज सिंगुलर, इफ ए इज सिंगुलर, इफ ए इज सिंगुलर देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन डेट इज क्या नॉन ट्रैवल सोल्यूशन. ठीक है सर, क्वेश्चन लिखना जरा, क्वेश्चन लिखेंगे अब. क्वेश्चन लिखेंगे The existence of the unique solution, the existence of the unique solution of the system of equation x plus y plus z equal to lambda, 5x minus y plus mu z equal to 10, 2x plus 3y minus z is equal to 6 depends on, 6 depends on option A mu only, option B lambda, option C lambda and mu both, and option D is neither lambda nor mu, neither lambda nor mu. सर प्रॉब्लम में क्या बोला है कि सिस्टम में क्या यूनिक सोल्यूशन है ना, यूनिक के लिए कंडीशन क्या क्या था जरा बताओ. पहली बात, ये होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस है इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है. कैसे मालूम पड़ रहा है, इक्वल टू जीरो नहीं है. अगर इक्वल टू जीरो होता तो क्या होता, वो होमोजेनियस सिस्टम का होता. ये कौन सा है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए यूनिक सोल्यूशन कंडीशन क्या है, नॉन होमोजेनियस के लिए यूनिक का कंडीशन क्या है. हाँ, इफ एज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ एज नॉट इक्वल टू जीरो, सो निकालिए फिर. यूनिक सोल्यूशन कंडीशन ही है ना, डिटरमिनेंट ऑफ एज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट निकाल दो उसका. डिटरमिनेंट ऑफ ए is not equal to 0, determinant of A means coefficient matrix 1, 1, 1, 5, minus 1, mu, 2, 3, minus 1 is not equal to 0. मतलब यहाँ से मालूम ही पड़ रहा है ये depend किस पे करेगा, mu पे depend करेगा, है ना. तो option तो सीधा एक ही दिख रहा है, mu only. lambda का तो कोई role ही नहीं है ना, निकालो lambda जो भी आ रहा, mu कितना आया, 23, वही same question है. सॉल्व कीजिए, यहाँ से आएगा आपका म्यू इज नॉट म्यू माइनस 23 इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स म्यू इज नॉट इक्वल टू 23. मतलब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, म्यू पे.
हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस राइट डाउन इज इज इनकंसिस्टेंट, इज इनकंसिस्टेंट, इज इनकंसिस्टेंट। ऑप्शन ए लैम्डा इज इक्वल टू वन, ऑप्शन बी लैम्डा इज इक्वल टू, ऑप्शन सी लैम्डा माइनस टू एंड ऑप्शन डी लैम्डा इक्वल टू थ्री। सर प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट। पहली बात फिर से चेक कीजिएगा, हाँ कंसिस्टेंट बोला है इनकंसिस्टेंट बोला है, सॉरी इनकंसिस्टेंट बोला है यार, इनकंसिस्टेंट बोला है। हाँ सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होता है भाई, जब ए क्या हो सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ए क्या हो सिंगुलर मैट्रिक्स हो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो पहली बात तो ए क्या होना चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो फर्स्ट फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब ए मस्ट बी सिंगुलर। सॉल्व किया यहां से, साइन प्लस कैंसिल हो गया, तो टू लैम्डा माइनस सिक्स माइनस वन, सॉल्व किया तो लैम्डा माइनस थ्री और प्लस वन तो टू माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये तो भैया गौन हो गया, यहाँ से गायब हो गया ना, तो टू लैम्डा माइनस सिक्स माइनस लैम्डा प्लस थ्री दिस इज इक्वल टू टू लैम्डा माइनस लैम्डा मीन्स लैम्डा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो मीन्स लैम्डा इक्वल टू भाई थ्री आ रहा है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है फिर अपने को, है ना, तो लैम्डा इक्वल टू थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, हैज नो सोल्यूशन फॉर ऑप्शन ए लैम्डा इज नॉट इक्वल टू थ्री एंड म्यू इज इक्वल टू टेन, ऑप्शन बी लैम्डा इक्वल टू थ्री एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू टेन, ऑप्शन नंबर सी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू थ्री एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू टेन एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सर क्या बोला गया प्रॉब्लम में, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है भाई, क्या होता है जल्दी सोचो, हाँ जी क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो पहला केस, दूसरा केस और क्या, यही केस है क्या,
हाँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो और डिटरमाइंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो. चलो करो जल्दी से. बी लैम्डा थ्री आ रहा. हाँ लैम्डा थ्री आ रहा तो भाई सिली पहली बात तो फिर ऑप्शन बी ही जाएगा. अपने को म्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है फिर, है ना, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू थ्री, नॉट इक्वल टू थ्री, और यहाँ ऑप्शन नन ऑफ दिस भी दिया है. ऑप्शन नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है. पॉसिबिलिटीज यहाँ भी आ सकती है. फर्स्ट फाइंड कर लो आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. डिटरमिनेंट तो आपने निकाल लिया होगा ना. मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या है आपका, वन वन वन, वन टू थ्री, वन टू लैम्डा एंड बी सिक्स टेन म्यू. फर्स्ट फाइंड ए मस्ट बी सिंगुलर ना. डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो वो कर लो यहाँ से. वन टू थ्री, वन टू लैम्डा इक्वल टू जीरो. लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया बेटा, कितना आ रहा, थ्री. लैम्डा थ्री आ रहा मतलब एक ऑप्शन में जा रहा है लैम्डा थ्री. दूसरा चीज़ क्या चेक करना पड़ेगा अपने को नौ क्वेश्चन के लिए. हाँ दूसरा क्या चेक करना पड़ेगा, वो कैसे आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू व्हाट, नल मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स ही तो आएगा वो. हाँ नॉट सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो. हाँ तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो जल्दी से. एडजॉइंट ऑफ क्या आ रहा था, आया बेटा एडजॉइंट आया बता दो तो सर, एडजॉइंट आया क्या. हाँ एडजॉइंट आया कि निकाला क्या तूने. बोल बेटा एडजॉइंट बोल आने का. इतना टाइम नहीं लेना चाहिए एडजॉइंट में यार. किसी का एडजॉइंट बोलो, जीरो वन वन सभी का. हाँ जीरो माइनस वन वन आया, चेक कर यार. हाँ जीरो माइनस वन वन. हाँ नेक्स्ट जीरो टू माइनस टू, जीरो माइनस वन वन. ये एडजॉइंट है ना, ट्रांसफर करने के बाद है ना. हाँ इंटू बी, बी क्या है, सिक्स टेन म्यू इक्वल टू नल मैट्रिक्स. देखेंगे अपन क्या आएगा, है ना. चलो मल्टीप्लाई कर. नॉट इक्वल टू जीरो, यस मल्टीप्लाई करो. तो इनका ऑर्डर क्या है, थ्री क्रॉस थ्री. इनका ऑर्डर क्या है, थ्री क्रॉस वन. जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, थ्री क्रॉस वन मिलने वाला है. मल्टीप्लाई कर, जीरो माइनस टेन और प्लस म्यू. अगेन जीरो
ट्वेंटी माइनस टू म्यू जीरो माइनस टेन प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू नल्ला मैट्रिक्स, मतलब माइनस टेन प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू इज नॉट इक्वल टू टेन, आ गया ऑप्शन नंबर बी, यस क्लियर। नेक्स्ट चलिए सर आगे लिखिएगा, कुछ लिखिएगा लेट। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी एनी रियल नंबर्स, बी एनी रियल नंबर्स, सपोज दैट देयर आर रियल नंबर्स x, y, z। अगर मैं बोल रहा हूँ फिर से, लिमिट a, b, c बी एनी रियल नंबर्स फुल स्टॉप, सपोज दैट देयर आर रियल नंबर्स x, y, z नॉट ऑल जीरो such that x is equal to cy plus bz, y is equal to az plus cx, and z is equal to bx plus ay, then a square plus b square plus c square plus twice abc is equal to option b minus 1, option c 0, and option d 1। Find it, sir. क्वेश्चन पढ़े क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़े क्वेश्चन। क्या कंडीशन लगाओगे, एबीसी क्या है, हाँ रियल नंबर है, एबीसी रियल नंबर है, उसके बाद एक्स वाई जेड वो भी रियल नंबर है, बट नॉट ऑल जीरो, मतलब सभी जीरो नहीं है। अच्छा ध्यान देना जरा सर, उसने बोला है कि सभी जीरो नहीं है, जिस दिन x जीरो हो जाए, y जीरो हो जाए, z जीरो हो जाए, उस दिन आप इसको बोलते हो दिस इज ट्रेवियल सॉल्यूशन। अरे हाँ यार, x इक्वल टू जीरो तो ये तो a मैट्रिक्स गायब हो जाएगा ना, हाँ तो क्या x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल जीरो क्या होगा, ट्रेवियल सॉल्यूशन। उसने बोला कि ऑल जीरो नहीं है, मतलब क्या है, नॉन ट्रेवियल है। और सर ट्रेवियल नॉन ट्रेवियल की बात तब आती है जब इक्वेशन होमोजीनियस हो। क्वेश्चन क्या हो, होमोजीनियस हो, क्या ये होमोजीनियस है क्या, चेक करो जरा, मतलब यस है, क्योंकि सर एक्स वाई जेड मैं क्या लिख सकता हूँ इनको, एक्स माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल टू जीरो, हियर सी एक्स प्लस वाई माइनस सॉरी प्लस ए जेड माइनस वाई इक्वल टू जीरो, और दिस वन बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। तो सर तीन ही क्वेश्चन तो बन गए आपके पास, मतलब क्या
सॉल्व किसके लिए करना है? प्रॉब्लम में इनडायरेक्टली क्या बोला है कि सिस्टम हैज नॉन ट्रेवल सोल्यूशन बोला है। अरे बोला है ना, नॉन ट्रेवल के लिए डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अरे ए सिंगुलर होना चाहिए, तो नॉन ट्रेवल के लिए डिटरमिनेंट मतलब ए क्या होना चाहिए? ए इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए मतलब क्या मीन्स व्हाट? दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो करो, वन माइनस सी माइनस बी, सी माइनस वन ए, बी ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व किया, फर्स्ट एलिमेंट गायब कर दे तो माइनस वन ए, ए माइनस वन माइनस माइनस प्लस गायब कर छो अंदर, सी ए बी माइनस वन प्लस माइनस अगेन ये प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, सी माइनस वन बी ए इक्वल टू जीरो। सॉल्व कर तो माइनस माइनस प्लस, वन माइनस ए स्क्वायर प्लस सी माइनस ए बी, बी ए सी प्लस बी इक्वल टू जीरो, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, ए बी सी माइनस अगेन ए बी सी और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो सबको उधर ट्रांसफर कर दे तो क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी सी इक्वल टू वन। यस, ये तो पूछा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी सी इज इक्वल टू वन, ऑप्शन डी। ठीक है सर, हाँ नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। छापिए छापिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एक्चुअल में ये चीज आपको सेम चीज जाके पढ़ना है बी फर्स्ट सेमेस्टर में, रैंक, हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक कैसे निकालेंगे। चलिए हो गया, छाप लिए ना, छापो छापो छाप लिया, तो नंबर वन हो यार, छापो, एक ही काम तो आता है दुनिया में, छापना, खाना पीना और छापना और सोना, सॉरी पैक मारेंगे नहीं ना, गंदी बात। चलिए सर, ओके सर, सर लिखेंगे, हेडिंग डाल दीजिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कुछ बुक्स ने इसके बारे में चर्चा की है, कुछ बुक्स ने चर्चा नहीं की रैंक ऑफ मैट्रिक्स में। जैसे सिंगेज की बात करो, सिंगेज में रैंक दिया भी नहीं है, आरडी की बात करो, आरडी में रैंक दिया हुआ है, मॉडर्न की बात करो, मॉडर्न जो बुक्स है उसमें रैंक की बात दी हुई है, कुछ कुछ बुक्स में नहीं दिए, कुछ बुक्स में दिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आए हैं, कभी कभी नहीं आए, और है ना। चलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे, इट इज, मैं देखो सिंपल एंड सोवर तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, छोटा सा तरीके में है ना, रैंक निकल जाएगा इससे मैट्रिक्स का। ठीक है, चलिए लिखिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई रो ऑफ ए। मान लो अगर कोई मैट्रिक्स अगर ए है ना, उसका रैंक निकालना है, तो अगर बोल दिया जाए सिर्फ फाइंड रो ऑफ ए, ये सिंबल रो ऑफ ए, मतलब क्या निकालना है, मैट्रिक्स ए का रैंक निकालना है। ठीक है, इसका रैंक का मीनिंग होता है, लिखिएगा मीनिंग, इसका मीनिंग होता है कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर
नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स से जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा, है ना, उस मैट्रिक्स से। नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखेंगे, मैं क्वेश्चन से समझा रहा हूं क्या है, कैसे निकालते रैंक किसी मैट्रिक्स का। सर आपने कल कोई क्वेश्चन दिया था, शायद पूछ रहे थे, क्वेश्चन बताइए क्या है आपका। खोज के रखो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हाँ सर क्वेश्चन लिखिएगा आप। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 and 2 2 1 2 2 1। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस इज, इस मैट्रिक्स का रैंक पूछा है आपसे इज, और उसने छोटे से प्यारे से वर्ड में ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी नॉट, नन ऑफ दीज। ध्यान देना सर, इतना तो क्लियर है सर कि ऑप्शन, अगर मान लो आपका ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है तो ऑप्शन 4 नहीं हो सकता है। कभी मानो 1 2 3 4 दे दिया गया, मतलब आपको बेवकूफ बना रहा है, मतलब 4 ऑप्शन तो होगा नहीं, रैंक जो भी होगा उससे कम होगा या फिर उसके इक्वल होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ तो ए 1 b 2 c 3 and d नन ऑफ दीज, है ना। अब ध्यान दें सर क्या हो सकता है, मतलब ये नन ऑफ दीज का पार्ट ही नहीं है, अगर सच में इसका रैंक होगा तो इनमें से कुछ ना कुछ होगा, तो ऑप्शन डी ऐसे भी गायब है, मूवी से बाहर है, ठीक है। तो चले सर, हाँ सर, अब सर सिंपल सी बात है, अगर इस मैट्रिक्स अगर रैंक अगर 3 होगा, अगर इस मैट्रिक्स का अगर रैंक अगर 3 होगा तो सर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा। आप पहले चेक कीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है, अच्छा सर तो क्या अपन जिंदगी भर डिटरमिनेंट निकालते रह जाएंगे क्या, कभी एग्जाम में आ गया तो डिटरमिनेंट निकाल देंगे क्या, हमें लगता है निकालेंगे नहीं, पहले आप तो देखो तो सही डिटरमिनेंट क्या आ रहा है। बेटा दरवाजा लगा दो जरा, डिटरमिनेंट निकालो पहले क्या आ रहा है। डिटरमिनेंट अगर मैं निकालता हूँ ए का, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो सर ये मिल गया अपने को 1 + 8 + 8 - 4 + 4 और + 4, 4 3 12 और ये 17 और -12 मतलब 5। सर रैंक 5 मतलब रैंक नहीं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जो है 5 आ रहा है, मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कंफर्म इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है। पहला फंडा बता दिया मैंने, कंफर्म इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है। मैट्रिक्स रैंक कितना है, 3। समझ में आया क्या। तो सर क्या मानो अगर रैंक 2 रहता तो फिर कैसे चेक करते। अरे हाँ ये भी बात तो है कि अगर मानो रैंक 2 रहता तो फिर कैसे चेक करते अपन। आपने ठीक है आपने इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया, अपन निकाल लेंगे, मान लो अगर 3 0 आ गया तो हम बोले पॉइंट तो है भाई, कैसे करना। तो मैंने बोला तो सर एक काम करेंगे, उस केस में किसी भी मैट्रिक्स अगर रैंक निकालना है तो रैंक निकालने के लिए आप क्या करना, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया गया उस स्क्वायर मैट्रिक्स को भाई साहब बाजू में लिख देना और इनसे एक वादा करना। वादा क्या करना कि भाई साहब मैं तुमको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करूंगा, मैं किसमें, इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपन कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम, जो भी करना है ना। सर इस मैट्रिक्स को अगर मैं अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, अपर ट्रायंगुलर में समझते हो अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऊपर में एक ट्रायंगल हो और नीचे का सारा एलिमेंट क्या हो, 0,
मीन्स वट, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सर मैंने इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, प्लीज ध्यान देना। तो सर इनको जीरो करना है, इनको जीरो करना है और फिर इनको जीरो करना है, राइट है। तो सर इनको जीरो करना है, तो सर ये आर थ्री है, क्या है ये आर थ्री। तो आर थ्री में अगर मैंने इसमें टू मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें टू, और आर वन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जीरो मिल जाएगा। अरे मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा ना। एंड ये जीरो करना है, बोलो क्या करें। आर टू है, आर टू में माइनस टू आर वन कर दिया, ये भी जीरो मिल जाएगा, अरे मिलेगा। फिर सर जो भी मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स को लिख दो। मैंने आर वन में कोई भी चेंज नहीं किया है सर, चेंज कहाँ पे किया मैंने, ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है, कहाँ पे किया है आर टू में, तो आर टू में किया, तो आर टू माइनस आर वन ये क्या मिलेगा जीरो। वन माइनस फोर मीन्स वट, माइनस थ्री, एंड टू माइनस फोर, बोलो बेटा माइनस टू, ओके ये जीरो, ये बोलो ये भी जीरो नहीं ना। टू इंटू सॉरी ये तो टू है ना, टू माइनस, अरे भैया यहाँ गड़बड़ हो गया ना, क्या लिखे थे अपन, आर थ्री माइनस टू आर वन, हाँ हाँ जी। तो बोलिए क्या आएगा, आर थ्री टू तो माइनस टू, ये वन माइनस फोर मीन्स वट, ये आया। अब सर मेरा प्रॉब्लम क्या था, मैंने क्या बोला था अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, तो सर अपर ट्रायंगुलर में तब होगा जब ये जीरो हो जाए। तो सर इनको जीरो करना है तो क्या करेंगे बताओ। सर अब मैं इनका हेल्प नहीं लूँगा सर, अगर आपको ये कन्वर्जन अगर नहीं आ रहा है तो आप लेक्चर नंबर फोर देख लेना, उसमें मैंने सिखाया है ना, या फिर एक बोर्ड का लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि बाई यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, मैं इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वहाँ पर ये चीज़ मैंने बताया है, इसलिए बोर्ड का पार्ट है, ठीक है। लेक्चर नंबर फाइव या लेक्चर नंबर सिक्स में होगा, या फिर सेपरेटली एक बोर्ड का लेक्चर मैंने बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है, बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इनको जीरो करना है, इनको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, इनका हेल्प नहीं लेंगे अपन, आर वन का हेल्प नहीं लेंगे, क्यों, अगर आपने इसका हेल्प लिया तो भैया कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो फिर आर टू का हेल्प लेना पड़ेगा, है ना। तो बताओ इसमें अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं तो हो जाएगा, ऐड नहीं करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो सर ये आर थ्री है, आर थ्री में मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, थ्री से, तो क्या मिल जाएगा बेटा, सिक्स मिल जाएगा, माइनस सिक्स मिलेगा, और आर टू में माइनस कर दो, आर टू में टू से, हाँ सही है, अरे सही तो है। अच्छा तो सर ये क्या मिलेगा जब बताओ, मैंने आर वन में कोई चेंज किया है क्या, अरे आर वन में मैंने कोई चेंज किया है, आर टू में नहीं, चेंज कहाँ है, आर थ्री में किया मैंने, आर थ्री में क्या किया, ये तो जीरो, ये भी जीरो मिलेगा, अब ये पता क्या मिलेगा, अरे भैया ऐसे क्या सोच रहे हो, हाँ थ्री इंटू थ्री नाइन, माइनस नाइन और माइनस माइनस प्लस फोर, कितना माइनस फाइव, माइनस फाइव। सर अपर ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया, मैंने बोला सर अपर ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया क्या, मतलब हाँ बिल्कुल हो गया, देखो सर ट्रायंगल बन गया अपर में, मतलब अच्छा अब क्या करना है, मतलब सर अपर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाने के बाद फिर अब जब ये कन्वर्ट हो जाए तो फिर आप वहाँ काउंट करना नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, क्या करना है काउंट करना है, काउंट करना है आपको, है ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो मतलब क्या, जिसमें अगर एक भी एलिमेंट हो गया तो वो नॉन जीरो रो नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा, है ना। तो यहां पर एक एलिमेंट तो बच गया, तो काउंट कीजिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कहलाएगा, उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा। तो वन टू थ्री मतलब थ्री ना आया, नंबर ऑफ रो कितने हैं नॉन जीरो, तीन, वन टू थ्री मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू थ्री, ये है मेथड, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका रैंक अगर थ्री है, ऑप्शन में दिया गया है, सबसे पहले उस डिटरमिनेंट को निकाल लेना, डिटरमिनेंट चेक कर लेना, डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है इसका मतलब क्या है रैंक थ्री है, डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या रैंक थ्री है, टू के लिए फिर आपको चेक करना पड़ेगा ये, ठीक है। अगर रैंक थ्री है
अगर रैंक थ्री आ चुका है तो टू नहीं होगा फिर, कन्फर्म ये मान ले, समझ में। अगर रैंक अगर मतलब डिटरमाइंड अगर जीरो आ गया तो फिर रैंक टू होगा, फिर रैंक वन भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर एक अनदर क्वेश्चन लिखिएगा, छाप लो पहले, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं। एक दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है, हो गया सर। अब देखो इस मैट्रिक्स का आप प्लस का डिटरमिनेंट निकाल लो, देखो क्या आ रहा है। सेम क्वेश्चन है, आपको बोला गया रैंक बताओ इसका, रैंक इज क्वेश्चन पूछा गया आपको, रैंक बताओ, रैंक ऑफ ए, फाइंड रैंक ऑफ ए। क्या रहा है डिटरमिनेंट, जीरो आ गई नहीं आया, डिटरमिनेंट जीरो आ गया सर, डिटरमिनेंट जीरो आ गया, मतलब ये आपको ये कंफर्म कर चुका है कि सर कि रैंक जो है वो थ्री नहीं है, और रैंक थ्री नहीं है, और 50% बच्चे बोलते हैं सर नॉन ऑफ दिस भी तो होता ही भी नहीं है आंसर, तो दो ऑप्शन है, तो कहां मार ले, ए या बी, है ना। अब ध्यान देना, अब इसके लिए सर आपको प्रोसेस चलना पड़ेगा, प्रोसेस ये है कि आप इसका निकाल इसको कन्वर्ट करो अपर ट्रायंगुलर के फॉर्म में, अपर ट्रायंगुलर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री फोर फाइव, मैट्रिक्स ए आपको सर पता है, कन्वर्ट किया इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में, सर सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आप देंगे इसको, इनको अगर मैंने जीरो किया तो बताओ क्या करेंगे, ये आपका आर थ्री भाई साहब है, आर थ्री को अगर मैं माइनस कर दूँ थ्री टाइम्स ऑफ आर वन से तो ये भाई साहब शहीद हो जाएगा, जीरो मिल जाएगा, एंड इनको अगर शहीद करना है तो ये R2 है, R2 माइनस फोर टाइम्स ऑफ R1 कर दो शहीद हो जाएगा, तो बच जाएगा भाई R1 मैंने कोई चेंज नहीं किया है, चेंज किया है मैंने R2 में, तो भाई साहब ये मिल जाएगा अपने को जीरो, और R2 मीन्स व्हाट, फाइव, फाइव माइनस एट मीन्स व्हाट, माइनस थ्री, राइट सर, और सिक्स माइनस ट्वेल्व मीन्स माइनस सिक्स, जी हाँ जी सर, R2 टू माइनस फोर टाइम्स ऑफ R1, वन अपने इनको जीरो करना है ना, हाँ इसमें सर R3 थ्री में ये जीरो मिल जाएगा, R3 थ्री मीन्स वॉट, फोर माइनस सिक्स मीन्स माइनस टू, एंड फाइव माइनस नाइन मीन्स माइनस फोर। अब सर इनको जीरो करना है, ध्यान देना, देखो भाई यहाँ खतरों खिलाड़ी, इनको जीरो करना है, इनको 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 जीरो करना है, मतलब सर क्या करोगे बताओ, R2 है, R3 है, R3 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, 3R3 माइनस 2R2, बोल सही है, अरे होगा नहीं होगा, अब ध्यान देना, ध्यान देना, R1 में कोई चेंज नहीं, छापने का काम बाद में करना भाई, छाप लो सब,
आर वन में कोई चेंज नहीं है, आर टू में कोई चेंज नहीं है, चेंज आर थ्री में है, चेंज आर थ्री में है, तो आर थ्री में चेंज बताओ क्या आएगा? ये जीरो मिलेगा, मिलेगा क्या? ये क्या आ रहा है? फोर थ्री जै ट्वेल्व और सिक्स टू जै ट्वेल्व, जीरो मिला ही नहीं मिला? मैंने क्या बोला था, काउंट कीजिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, काउंट कीजिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, वन टू मिला, रैंक कितना मिल रहा है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू टू। सर अनदर मेथड, मेथड नंबर थ्री ध्यान देंगे, क्योंकि सर ये पार्ट इंजीनियरिंग का पार्ट है इसलिए इतना कुछ तुम लोग बता दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ आगे जाके सर रैंक का मतलब ये होता है, आपने बोला था सब मैट्रिक्स फॉर्म करना है, इसका मतलब कि ये थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स डिपेंड तो जीरो आ चुका है, इसका मतलब टू बाय टू मैट्रिक्स डिपेंड जीरो नहीं होगा। हमारे सर टू बाय टू का अगर एक भी डिपेंड अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो गया ना, मतलब रैंक उसका टू होगा। क्या बोला मैंने, क्या बोला, समझ में आया क्या बोला मैंने? सर थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। सर टू बाय टू का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब सर सभी जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने बोला सर उनमें से अगर एक भी अगर जीरो नहीं हुआ तो उसका रैंक टू कहलाएगा। मैं बोला सर इससे टू बाय टू मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कितना फॉर्म होगा, एक तो ये बनेगा, ध्यान देना बनेगा, निकाल फाइव माइनस एट कितना मिल गया, कितना मिल गया, माइनस माइनस थ्री हो गया। हाँ सर कितना मिल रहा है, ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन हाँ माइनस थ्री, ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर वन, हाँ सर सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन कितना मिल रहा है, हाँ वन, सिक्स माइनस ट्वेल्व, अरे भैया ये दो डिमांड ले, सिक्स माइनस ट्वेल्व मतलब सर टू बाई टू की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जो है वो जीरो नहीं हो रहा है। अब बोलोगे सर कि मानो सर सब जीरो हो जाए और कोई एक जीरो ना हो, ना सर उसका रैंक टू कहलाएगा, रैंक क्या कहलाएगा, टू। मतलब सब मैट्रिक्स जो होगा टू बाई टू का उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए सारे फॉर्म पे, ठीक है? तो उससे भी बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये, अब उतना चेक मत करो, सिंपल सा फंडा है, ये निकाल दो रैंक निकाल दो, है ना? अपर ट्रायंगल कन्वर्ट करो, दिख जाएगा अगर आपको सारा अगर जीरो हो जाए, और मानो कभी ऐसा हो सकता है ये भी जीरो हो जाए तो फिर रैंक वन कहलाएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन और लिखेंगे, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। निकाल सकते हैं क्या, खुद से बताऊंगे क्या, बताओ जल्दी से। जितने में डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे उतने में कन्वर्ट कर लोगे अपर ट्रायंगुलर में। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी थ्री एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कन्वर्ट किया दिस वन, ठीक है,
कार्बन में कोई चेंज नहीं किया मैंने, 1 2 3 आर टू में चेंज किया है तो ये जीरो मिल रहा है भाई, ये भी जीरो मिल रहा है यार, और ये भी जीरो मिल रहा है। छी, सभी के सभी जीरो मिल गए। ये R3 - R1, अरे भाई साहब ये भी जीरो जीरो जीरो। देख क्या गंदे विचार आए इसके मन में। अपन अपना काम था अपर ट्रायंगल में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करते करते ऐसा कन्वर्ट हो गया कि शहीद हो गया दोनों। अरे हुआ ही नहीं हुआ, अरे दो शहीद हो गए, दो शहीद हो गए। अब क्या बोला है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स, बोलो भाई वन होगा या नहीं होगा, होगा। चलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1। बस ये ब्रह्मास्त्र को लेके चलते जाओ। चले आगे, और कुछ और छोटी छोटी बात, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। मैं ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि सर कभी आपको अगर हार्ट अटैक आ जाए तो उससे बचने के तरीका है ना। ए 1 2 3 4, 4 3 2 1। अगर ये आता एग्जाम में तो अटैक आ जाता ना, इन्हें अटैक आना ही था। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। पहली बात सर रैंक, अरे नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब ये गलत बातें ना करो, गलत बातें ना करो भाई साहब। ये भाई साहब ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है भाई साहब, ये ऐसा दिख रहा है। इसके नीचे भाई साहब दो लोग आगे जा चुके हैं लाइफ में, वो शहीद हो चुके हैं भाई साहब, वो शहीद हो चुके हैं। ठीक है, आप लोग शहीदों का वैल्यू दिया करो यार, जो शहीद होते हैं ना सैल्यूट मारा करो सैल्यूट। ठीक है, ये शहीद हो चुके हैं, अपने आपको दिखा नहीं रहा मैं शहीद हो गया हूँ, शहीद हो चुका है वो। काय दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा, क्यों नहीं दिया, बस इतना लिखा रहेगा कि उसके रैंक निकालो। तो भाई साहब ये दो शहीद हो चुका है, लेकिन अपन इसको इसको कोई वैल्यू नहीं देता, इसलिए वो लिखा नहीं गया। ठीक है, अब भाई साहब अगर ऐसा है तो भैया ये सिंपल सा फंडा है कि रैंक 3 तो होगा नहीं, और ये इसको दुनिया मानता नहीं है, तो 1 and 2 में से होगा। इसका मतलब 2 by 2 का डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए कोई एक भी। तो भैया चेक किया, 3 - 6 - 3 - 3, सर पहले तो मालूम बन रहा है कि एक डिटरमिनेंट 0 नहीं है, हो रहा है 2 by 2 का। तो भैया रैंक 2 पे तो सर मारना, ठीक 2 by 2 का सब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 0 नहीं हो रहा ना सर। 4 - 9 - 3 - 6 सीधा रैंक 2 कंप्लीट। चलिए क्लियर, हाँ जीरो अगर आया तो भैया, अगर एक का अगर जीरो आया इसका मतलब ये नहीं है कि अपन उसको छोड़ देंगे, है ना। कोई भी अगर एक डिटरमिनेंट जिसका 2 by 2 का डिटरमिनेंट 0 ना हो, कोई भी एक अगर 0 नहीं होता है ना, तो भी रैंक 2 कहलाएगा। सभी आया तो फिर अपन रैंक 1 पे जाएंगे। चलिए सर मैं इधर ही वाइंड अप करता हूँ, आपका मैट्रिक्स जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, हर तरीके से, है ना। अब आगे का जो लेक्चर्स है उसमें अपन क्वेश्चंस करेंगे 2-3 लेक्चर्स में। कल जितने भी जेई मेंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं अब तक, कल मैं कल पूरा करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।